ये देखो गाइस क्या अमेजिंग लग रहा है भाई साहब, लाइट्स ऑफ करके ऐसा लग रहा है जैसे घर के अंदर हाउस पार्टी चल रही है। हेलो गाइस, फिर से वेलकम है आपका आज की फ्रेश और इस एंटरटेनिंग वीडियो के अंदर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ टॉयज का। आप देख सकते हैं हमारे पास छोटे टॉयज से लेकर बड़े टॉयज तक अवेलेबल है। हमारे पास गन से लेकर कार और रोबोट तक हर एक चीज का रिव्यू आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला एंटरटेनमेंट का फुल डोज। तो चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते शुरू करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गाइस इस अमेजिंग कार से। ये देखो यार कितनी ज्यादा ऑसम है ये कार। आप देखेंगे कि इसके जो है ये लाइक कर रही है, थम्स अप कर रही है दोनों अपने हाथों से, और ये यहां पर इसकी जीभ निकली हुई है, और ये देखो आंखें देखो इसकी कितनी ज्यादा प्यारी है भाई साहब। आप चारों तरफ से इसे देखोगे ना, आपका मन इसके ऊपर आ जाएगा। और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्माइल कार, इट मीन्स देखो ये स्माइल कर रही है, इसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है स्माइली कार। और इसकी सबसे अच्छी और खास बात आप देखोगे ना तो आप हंसने लगोगे। ये देखो गाइस, ये देखो इसके टायर जब मैं घुमाऊंगा ना तो कैसे ही अपनी आंखें बंद करेगी, थम्स अप करेगी, और कैसे हमें जीवों से चिढ़ा रही है। ये देखो यार कितनी ज्यादा औसम है भाई साहब। और इसके जो व्हील है ना कितने ज्यादा स्मूथ है, ये देखिए आप कितनी ज्यादा अमेजिंग ये साउंड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग। और जिस तरीके से ये हरकत करती है ना, देखो टायर घूमने के बाद भाई साहब आपका मन ही नहीं करेगा कि इसको छोड़ दो, इससे खेलना बंद कर दो। ओ वाओ यार क्या अमेजिंग कार है, ऑसम। तो चलिए गाइस इसे मैं यहाँ नीचे रख देता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं अपनी अगली कार की तरफ, जो होने वाली है हमारी ये 4x4 की जीप। आप देख रहे होंगे कि ये एक जीप है गाइस, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी। गाइस आप देखेंगे इसके ऊपर 4x4 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है इसके ऊपर रेंजर एडवेंचर। एडवेंचर के टाइम में या फिर एडवेंचरस जगहों पर ये जीप बहुत ज्यादा काम आती है। आप देखेंगे कितनी ज्यादा अमेजिंग इसका लुक है, एकदम ओरिजिनल जीप से मिलता जुलता इसे बनाया गया। आप देखेंगे कि स्टेपनी भी पीछे लगी हुई है, और यार ये देखो टायर की क्वालिटी कितनी ज्यादा प्रीमियम है भाई साहब। ये देखो ये एकदम रियल के टायर लग रहे हैं गाइस, और क्या अमेजिंग ये घूम रहे हैं। वाओ यार क्या व्हील्स हैं इसके, ऑसम यार। और ये देखो लाइट देखो इसकी, दोनों लाइट एकदम अमेजिंग तरीके से बनाई है, इसका डिजाइन एकदम ऑसम है। आप बारीकी से इसे देखेंगे ना तो कमाल की फिनिशिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको मिलते हैं 2 सीट्स आगे 2 सीट्स पीछे पैसेंजर के बैठने के लिए, और देखो इसका स्टीयरिंग देखो भाई साहब ऑसम भाई। ऐसी क्वालिटी की जो जीप है ना बहुत कम मिलती है, एकदम ओरिजिनल वाली जीप से इंस्पिरेशन लेकर इसे बनाया गया। वाओ यार ऑसम। और देखो आज ना मैं आपके लिए कमाल की चीज लेके आया हूँ, शायद ही आपने कहीं देखी हो, ये देखो। और गाइज इस बॉक्स का नाम है मैजिकल बॉक्स, लाजवाब बॉक्स। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये ऑसम लग रहा है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसके अंदर ही आप देख सकते हैं ये क्या चीजें इसके अंदर आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं इसे ओपन करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर एक्चुअली में क्या है और ये चीजें क्या है। तो इसको मैंने यहां से अनलॉक कर लिया, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग ये बॉक्स है। तो देखो यहां पर एक टेप भी लगी हुई है, तो फटाफट से मैं इसे भी हटा लेता हूं। तो देखो यहां से ये टेप मैंने हटा लिया, और ये हो गया हमारा मैजिकल बॉक्स ओपन। ये देखो यार गाइस क्या अमेजिंग चीजें इसके अंदर। आप देखोगे गाइस कितना ज्यादा ऑसम ये छोटा सा बैग पर्स दिया हुआ है। ओ वाओ यार क्या अमेजिंग चीज है ये, देखो यार कितनी ज्यादा कमाल की चीज ये बनाई गई है। और गाइस मैं आपको बता दूं ये एक इरेजर है, जी हाँ गाइस, जिससे आप अपने पेंसिल की मिस्टेक को इरेज कर सकते हैं। ये ऑसम डिजाइनर इरेजर है जो कि एक हैंड बैग के शेप में, लुक में, डिजाइन में आता है। वाओ यार इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये देखो रिंग। ओ वाओ डायमंड की रिंग भी इसके अंदर बनाई हुई है गाइस, ये देखो ये मेरे हाथों में कितने आसानी से आ गई। वाओ यार क्या चीज है ये, ऑसम गाइस ऑसम, मजा आ गया इस सब को देख के। और देखो इसके अंदर ये छोटे छोटे सैंडल्स भी बनाए हुए हैं यार। एक बार ना मैं इन सैंडल्स को आपको पर्सनली अलग से दिखाता हूँ, पहले इन चीजों को मैं नीचे रख लेता हूँ, और देखना आप कितने ज्यादा फिनिशिंग के साथ इसको बनाया गया है यार। ये देखो यार क्या अमेजिंग लुक और क्या अमेजिंग फिनिशिंग है इन सैंडल्स की। ओ वाओ वाओ यार कितने ज्यादा ऑसम लग रहे, किस किस को ये सैंडल्स और ये अमेजिंग इरेजर्स देखकर मजा आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं इसे भी नीचे रखता हूं। और गाइस इसके अंदर ना 2 चीजें और हैं, ये देखो इसके अंदर आपको ये एक
लिपस्टिक भी देखने को मिल जाएगी। और साथ में इसके अंदर गाइस, ओ वाओ यार, एक इसके अंदर आपको मिरर भी मिल जाता है चेहरा देखने के लिए, मेकअप करने के लिए। वाओ यार, क्या अमेजिंग चीज है। और ये रहा हमारा इसके अंदर से निकला हुआ लिपस्टिक की शेप में इरेजर। वाओ यार, ओए ये तो खुलता भी है यार। ओ भाई साहब, ये तो इतना ज्यादा ऑसम है, मैंने तो इसकी उम्मीद भी नहीं की थी यार। ओ अमेजिंग चीज है भाई साहब। ओ भाई, ओ हो माय गुडनेस, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस कितनी ज्यादा फिनिशिंग के साथ इसको बनाया गया। वाओ यार, और देखो ये इस तरीके से बंद भी हो जाएगी। आ हा हा, क्या ऑसम फिनिशिंग है गाइस। तो ये सारी की सारी इरेजर्स देख के आपको कैसा लगा, आपको मजा आया ना गाइस? तो अगर आपको बिल्कुल भी मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना इस इरेजर के लिए। तो गाइस मैं इस बॉक्स को बंद कर लेता हूँ और इसे वापस रख देता हूँ। चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट टॉय की तरफ, जो होने वाला है ये हमारा ऑसम क्यूब। ये देखो गाइस, ये रूबिक क्यूब बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज होती है गाइस। ये एक तरीके का ना पजल होता है, गेम होता है। आप इससे इस तरीके से खेल के इन सारे कलर्स को ना आपको एक साथ करना होता है। जैसे यहाँ ग्रीन है ना, तो सारे अगर आप ग्रीन कर दोगे और व्हाइट है सारे व्हाइट कर दोगे और यहाँ ऑरेंज है सारे ऑरेंज कर दोगे ना, तो आप विन कर जाओगे। और जो सबसे तेजी से इसको सॉल्व कर लेता है ना, उसका माइंड बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है गाइस। ऐसा माना जाता है कि ये वाला जो रूबिक क्यूब है या फिर ये वाली जो गेम है ना, ये आपके माइंड को शार्प करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो है ना, कितनी ज्यादा अमेजिंग चीज ये गाइस। मुझे तो ये देखकर बहुत ज्यादा मजा आता है गाइस। और देखो एक अमेजिंग चीज और मैं आपके लिए लेकर आऊं आज के इस एडिशन में। ओ वाओ यार, क्या अमेजिंग कार है, होती है गाइस कार। फिनिशिंग देखो एक बार इसकी आप। ओ वाओ यार, क्या लुक है भाई साहब। और इसके एलॉय व्हील्स तो देखो कितने ज्यादा डिजाइनर है भाई साहब। ओ असम। और मैं आपको बता दूंगा ये आयरन मैन के एडिशन वाली कार है, सुपर कार। और देखो इसके ऊपर आपको आयरन मैन का लुक भी इजीली नजर आ रहा होगा बहुत ज्यादा क्लियरली। ओ हो। और ये देखो इसके दो बड़े बड़े साइलेंसर जो कि इसको रॉकेट बना देते हैं एक तरीके से। और ये कुछ इस तरीके से बहुत तेज भागती है गाइस जब इसके ये सुपर रॉकेट लॉन्चर जैसे साइलेंसर वर्क करते हैं। आपने मूवी के अंदर देखा भी होगा। वाओ यार, क्या अमेजिंग कार है। तो गाइस आपको इसी के एडिशन में और भी कार्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसे मैं यहां नीचे रखता हूं। और देखो गाइस, और गाइस आप देखेंगे ये हमारी एक और मार्वल एडिशन की कार, और ये है थैनोस एडिशन गाइस। और देखो यार, थैनोस की कार का लुक देखो कितना ज्यादा ऑसम है, और भी ज्यादा मजेदार बनाया गया। और ये देखो, ये एकदम ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, जैसे वो स्पेसशिप में घूमता था ना गाइस, उसी को लेकर इसे डिजाइन किया गया है बहुत ज्यादा ऑसम तरीके से। ये ट्रांसपेरेंट बनाया गया और इसके अंदर दो सीट्स और एक स्टीयरिंग आप इजीली देख सकते हो। और देखो यार कितने ज्यादा बारीकी से इसको बनाया गया, इसके अंदर आपको गियर बॉक्स भी नजर आ रहा होगा। और पीछे से देखोगे आप, इसे नीचे की तरफ से देखो यार, क्या ऑसम तरीके से इसे बनाया गया भाई साहब, क्या अमेजिंग चीज है। और ये एकदम पुल बैक वाली कार है गाइस, जो आगे की तरफ भागती है बहुत तेजी से। तो देखा आपने, थैनोस की कार आपने आज तक नहीं देखी होगी और आप देख रहे हैं पहली बार रोचक रिव्यू चैनल पे, तो इस कार के लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए गाइस। तो देखिए इसे मैं यहाँ नीचे रखता हूँ। और एक और कार हमारे पास अवेलेबल है और इसका कलर देख के ही आप पहचान गए होंगे गाइस, ये है अलमाइटी हल्क की कार। ये देखो ग्रीन कलर का हल्क होता है, ग्रीन कलर की ही उसकी कार है, बहुत ज्यादा ऑसम। और क्या कलर कॉम्बिनेशन है भाई साहब, इसका कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और इसके ऊपर तो ये देखो हल्क छपा हुआ भी है, एंग्री हल्क इसके ऊपर प्रिंटेड है और यहाँ हल्क लिखा हुआ भी है। और देखो ना इसकी कार का लुक देखो भाई, क्या ऑसम है। आपको इन तीनों कार में से कौन सी कार पसंद आई मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। और एलॉय व्हील तो सबके एक जैसे ही है गाइस। और ये देखो पीछे से लुक देखो इसका, ऑसम भाई साहब ऑसम, क्या अमेजिंग लुक दिया हुआ है। इसकी डिक्की देखो गाइस पीछे की साइड, और इसका जो आगे का जो रियर व्यू है ना, ये देखो भाई कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, थैनोस वाली कार से भी ज्यादा अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। अंदर आप देख सकते हो दो सीट स्टीयरिंग सब कुछ क्लियरली आपको नजर आ रहा है, और ये विंडो वगैरह सब ऑसम तरीके से बनाई गई है भाई साहब, क्या कमाल की चीज है। इसके ऊपर तो मेरा दिल ही आ गया गाइस, मुझे बहुत ज्यादा ये पसंद आ गई। अब गाइस हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ, जो होने वाली है ये शार्प शूटर वाली गन। आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा है मिनी सॉफ्ट ब्लास्टर मैनुअल सॉफ्ट बुलेट गन।
कितना बड़ा नाम है यार इसका, और ये 8+ लोगों के लिए होती है, बहुत ज्यादा अमेजिंग गन है। अभी मैं इसे आपको निकाल के दिखाऊंगा, आप खुद कहोगे यार वाओ कितनी अमेजिंग गन है, काश ये आप लोगों के पास होती। और देखो इसके साथ ये 3 सॉफ्ट बुलेट्स आती है, इसके साथ गाइस ये 3 सॉफ्ट बुलेट्स आती है जो की बहुत ज्यादा कलरफुल और कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही है इसी कलर कॉम्बिनेशन के गाइस। और ये देखो इसका ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है यहाँ पे कि आप कैसे इसे यूज कर सकते हो, और इन सॉफ्ट बुलेट से ना किसी को हार्म नहीं पहुंचता गाइस। तो देखो मैं इसे यहां से ओपन कर लेता हूँ। वाओ यार कितनी अच्छी पैकेजिंग है भाई साहब इसकी, ये तो एक ट्रे के अंदर दी गई है, बहुत ज्यादा अमेजिंग। तो मैं इसे आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये रही हमारी बुलेट, और इसे मैं यहाँ नीचे रखता हूँ सबसे पहले तो, और पहले मैं ये 3 सॉफ्ट बुलेट्स निकालता हूँ। गन है गाइस वो, मैंने गलती से आपको बुलेट्स बोल दिया, लेकिन ये है हमारी 3 सॉफ्ट बुलेट्स जो कि बहुत ज्यादा ऑसम नजर आ रही है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है गाइस इसका, और इससे किसी को हार्म नहीं पहुंचता है। तो देखो मैं आपको गन उठाकर दिखाता हूँ, ये रही हमारी गन। ओ वाओ यार क्या अमेजिंग लुक है गाइस इसका, और ये गन देखो गाइस क्या ऑसम गन है भाई साहब, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, और कितनी ज्यादा छोटी है लेकिन है बहुत ज्यादा कमाल की, ये देखो लुक। और ये शायद इसका यहां से ना गोलियां डलती होंगी शायद मेरे ख्याल से, लेकिन हम बाद में देख लेंगे ये क्या है। और ये यहां से हम इसे लोड करते हैं। वाओ यार कितना ज्यादा इजी टू यूज है, और इतनी ज्यादा स्मूथ है ना ये गाइस, देखो बहुत स्मूथली ये हम लोड कर सकते हैं, और कितना तेज साउंड आ रहा है यार इसको यूं लगा के। ओ वाओ तो मैं देख लेता हूं एक बार इसके अंदर ये सॉफ्ट ब्लड्स लगा के क्या ये डायरेक्ट लगती है, या फिर ये देखो गाइस ये ऊपर से डायरेक्ट लगती है, इट मींस ये सिर्फ शो ऑफ के लिए। एक बार मैं इसके नीचे भी लगा के दिखाता हूं, ये देखो गाइस इसको आप ना ऐसे नीचे लगा के रख सकते हो, और जब आप इस वाली सॉफ्ट बुलेट को ऐसे चला लोगे ना तो उसके बाद फटाफट इस वाली को निकाल के कुछ इस तरीके से दोबारा से लोड कर लेना गाइस। और ये देखो मैं चलाता हूं इसे अपने एनिमी की तरफ, और देखा गाइस मेरा एनिमी वहां ढेर हो गया बहुत बुरे तरीके से। तो गाइस मैं आपको सच सच बताऊ ना, अब तक मैं जितनी भी सारी गन्स लाया हूं ना आपको मैंने रिव्यू दिया है, सारी की सारी ना बहुत बेकार निकली थी, लेकिन पहली बार ये गन जो मैं लेकर आया हूं ना बहुत ज्यादा ऑसम है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा अमेजिंग भी है गाइस, यूज करने में अच्छी तो निकली ही निकली साथ में बहुत ज्यादा कमाल की भी निकली। तो गाइस मैं एक बार ना इसे प्लेन सरफेस पे चलाकर दिखाता हूं, ये बहुत तेजी से चिपकता है यार, बहुत अमेजिंग चीज है ये। ये देखो गाइस हमारी गन एकदम रेडी है शूट करने के लिए, और ये देखो अंदर इसके बुलेट हमने लगा दिया और सामने की तरफ इसे चलाएंगे। ओ वाओ गाइस देखा आपने गाइस, आपने सॉफ्ट बुलेट जो वहां पर जाकर चिपक गई है, मैं एक और सॉफ्ट बुलेट आपको चलाकर दिखाता हूं। देखो गाइस एक और रेडी है बुलेट हमारी, और ये सामने की तरफ हमने शूट की। ओहो वाओ यार कितनी ज्यादा ऑसम और पावरफुल है ये वाली गन। तो गाइस देखा आपने कितनी ज्यादा पावरफुल और कितनी ज्यादा ऑसम गन है, तो मैं इसे यहाँ नीचे रख देता हूँ इसी की जगह पर, और अब चलते हैं गाइस अपने इस अमेजिंग रोबोट की तरफ जो है हमारा आयरन मैन। ये देखो गाइस कितना ज्यादा ऑसम है, कितनी ज्यादा फिनिशिंग के साथ इसे बनाया गया है, बहुत ज्यादा कमाल की चीज है गाइस ये। देखो गाइस इसका ये सूट है ना ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग है, कितना ज्यादा कमाल का ये बनाया गया, और दोनों हाथ प्रॉपर इसके वर्क कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिंगल नहीं है गाइस, इसके साथ आती है इसकी ये रोबोट कार। ये देखो कितनी ज्यादा ऑसम है भाई साहब, पहले ना मैं आपको ये कार दिखाता हूँ फिर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर इसका यूज होता कैसे। ये देखो गाइस कितनी ज्यादा ये ऑसम और कलरफुल लग रही है, और ये जो ट्रांसपेरेंट जगह जितनी भी आपको दिख रही है ना इन दोनों टायरों में या आगे और पीछे, एक्चुअली मैं यहाँ पर ना लाइट लगी हुई है वो भी कलरफुल LED लाइट्स जो कि देखने में बहुत ज्यादा कमाल की होती है। और मैं आपको बता दूं ये यहाँ पर इसके 3 बैटरी लगती है गाइस, ये 3 बैटरीज के थ्रू चलता है। ये देखो यहाँ पर मैंने बैटरी लगाई हुई है, और ये वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर इसके ये एक ऑन ऑफ का बटन है, इसे मैं ऑन करूंगा ना तो ये देखो इसके अंदर से ये इस तरीके से लाइट्स जलेगी DJ लाइट जैसी, और देखो यार कितनी ज्यादा ये ऑसम लग रही है। तो मैं ना इसे आपको जमीन पर चलाकर दिखाऊंगा और प्लस अंधेरे में भी चलाकर दिखाऊंगा, फिर आप मुझे बताना आपको कहां पर सबसे ज्यादा इसे देखने में मजा आया। तो मैं इसे ऑफ कर देता हूं और मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में ये जो हमारा आयरन मैन है ना ये किस तरीके से इसके ऊपर लगेगा। तो आप इसे दोनों तरफ से किसी भी तरफ से लगा सकते हैं, ये हर तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा गाइस। और ये देखो ये हमारा अजय देवगन बनके तैयार हो गया, ये हमारा स्टंटमैन बन गया है, और अब मैं इसे जमीन पर चलाकर दिखाता हूँ। ये देखो गाइस वाओ यार क्या अमेजिंग वर्क करता है भाई साहब ये, ऑसम यार। ये देखो यार क्या अमेजिंग लाइट्स निकल रही है भाई साहब इसके अंदर से, और ये आयरन मैन तो एकदम अजय देवगन लग रहा है, एकदम स्टंटमैन बन के खड़ा है इसके ऊपर।
तो मैं एक बार ना लाइट्स ऑफ करके दिखाता हूँ आपको फटाफट से। ये देखो गाइस, अंधेरे में और भी ज्यादा ये ऑसम लग रहा है। ऐसा लग रहा है घर के अंदर कोई हाउस पार्टी चल रही है यार, और इतने ज्यादा डीजे वाले कलर से बिखेर रहा है पूरे के पूरे फ्लोर में, पूरे के पूरे रूम में। वाओ यार, क्या अमेजिंग चीज है ये। ओ माय गॉड गाइस, देखा आपने भाई साहब कितनी ज्यादा ऑसम है ये, और अंधेरे में तो कमाल ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि घर में कोई पार्टी चल रही है गाइस, डीजे नाइट है। और ये देखो कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है ये आयरन मैन इसके ऊपर खड़ा हुआ, और इतना ही ज्यादा ये इजी टू यूज है। देखो इसकी दोनों टांगों को मैं ऐसे दबाऊंगा और ये बाहर आ जाएगा निकल के। ये देखो गाइस आ गया ना, कितना ज्यादा इजी टू यूज है। तो इन्हें वापस इन्हीं की जगह पे हम रख देते हैं और चलते अपने नेक्स्ट टॉय की तरफ जो होने वाला है। गाइस ये बचपन में मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट था और इसे हम बोलते लेजर लाइट। और देखो गाइस इसके अंदर हमें चार चार लेंस मिले हुए, 1 2 3 4, ये चारों अलग अलग डिजाइन के, प्लस में एक लेंस इसके अंदर यहाँ लगा हुआ है। आप देखेंगे कि इसको, ये देखो गाइस कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है। गाइस इसकी ये जो लेजर लाइट है ना रेड कलर की, ये कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर तक चली जाती है। जी हाँ गाइस, बचपन में मैं इससे बहुत खेलता था और मैंने इसे ट्राई भी किया है। और जब आप इसे सीधे एकदम सामने की तरफ लगाएंगे ना, सामने की तरफ जलाएंगे, तो ये बहुत दूर तक जाती है। बस सामने कोई बिल्डिंग ना हो, पेड़ ना हो, तो ये आर पार चली जाती है गाइस बहुत दूर तक। तो ये बहुत ज्यादा ऑसम चीज है। 40-50 रुपए में ये हमारे कई कई महीने निकाल देती थी और इसके साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता था। और देखो ना यार अब कितनी ज्यादा ऑसम पैकेजिंग में ये आने लगे। देखो ना गाइस ये एक प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर आई, कितना ज्यादा ऑसम बॉक्स है गाइस, मजा आ गया इसे देख के। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट आइटम की तरफ अपने, और वो है ये फिजेट स्पिनर, जिसका मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ आज के टाइम में गाइस। ये जो स्पिनर है ना मेरे स्ट्रेस को दूर करने में और प्रॉब्लम के टाइम में, जब भी मुझे कोई स्ट्रेस होती है, बहुत ज्यादा मेरे ऊपर बर्डन आता है या फिर मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, तो इसके साथ खेलना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये मेरे स्ट्रेस को बहुत ज्यादा रिलीफ करती है। और ये देखो बहुत ज्यादा कमाल की चीज है, इससे आपका मन बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है, इसके साथ बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है गाइस। तो इसे कहते हैं हम फिजेट स्पिनर। और इसके मैं लाया हूं आपके लिए दो डिजाइन, एक ये दो, ये देखो आपको ये मेटल में मिलेगा। सुना आपने गाइस, बहुत ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा अच्छे मेटल के अंदर ये बनाया गया है। और दूसरा मैं दिखाता हूं आपको, दूसरा जो है ये आपको सॉफ्ट प्लास्टिक के अंदर मिल जाता है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर आपको दो यूजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये देखो यहाँ पर इसके पॉप इट भी बने हुए हैं, आप इसके साथ भी बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। ऐसे आप अगर पॉप इट से खेले होंगे ना तो आपको पता होगा कि ये एक्चुअल में कैसे यूज किया जाता है। ये देखो इस तरीके से पीछे करके फिर इसे इस तरीके से आगे की तरफ कर दो, देखा कितना ज्यादा अमेजिंग है। और फिर उसके बाद आप इसके साथ ऐसे भी खेल सकते हैं। वाओ यार ये देखो कितना ज्यादा कलरफुल है ये वाला फिजेट स्पिनर गाइस, और ये वेट में बहुत ज्यादा हल्का है इसके मुकाबले गाइस, क्योंकि ये मेटल का है ना, ये बहुत ज्यादा भारी और ये बहुत ज्यादा हल्का। तो गाइस दोनों ही बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो आप लोगों को इसमें से कौन सा फिजेट स्पिनर सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस। मुझे तो दोनों ही पसंद आए, मैं तो दोनों के साथ ही खेलना पसंद करता हूं। तो इन दोनों को मैं यहां नीचे रखता हूं। और देखो अब मैं अपनी अगली गन दिखाने वाला हूँ। ये वाली गन भी ना बहुत ज्यादा ऑसम है, आप देखेंगे इसके साथ ये 1 2 3 3 सॉफ्ट बुलेट्स भी आती हैं, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही है। और सबसे अमेजिंग बात है कि इसका कलर कितना ज्यादा ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट होना इसका ऑसम लग रहा है मुझे। और प्लस इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो तो जबरदस्त है गाइस। और ये देखो जहां से इसे यहां से लोड किया जाता है, ये हो गया लोड। और गाइस जब यहां से आप इसके अंदर सॉफ्ट बुलेट्स डालेंगे ना, तो ये ट्रिगर पे से आप इसके साथ यूं इस तरीके से इसे चला देंगे और सॉफ्ट जो बुलेट्स है ना वो आगे की तरफ भाग जाएंगी अपने टारगेट की तरफ। और गाइस इस गन के साथ आती है ये 5 बुलेट्स, 2 येलो और 3 ग्रे कलर की, तो है ना कितनी ज्यादा ऑसम ये। और देखो यार देखने में कितनी ज्यादा अमेजिंग है। और प्लस में इसके अंदर आपको सॉफ्ट बॉल्स भी मिल जाती है, मींस इसके अंदर आपको दो बुलेट्स मिल जाती है, ये सॉफ्ट बुलेट्स भी और बॉल वाली बुलेट्स भी, तो है ना कितना ज्यादा ये अमेजिंग। तो मैं इसे यहाँ नीचे रख देता हूँ और ये हो गया यहाँ पे हमारा इसका रिव्यू। और देखो गाइस अब हमारे पास है वो अमेजिंग कार, और वो भी आरसी रिमोट कंट्रोल वाली। गाइस पहले तो मैं उसका रिमोट कंट्रोल आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब क्या ऑसम चीज बनाई गई है। और ये देखो इसका एंटीना, जिससे कि ये उस कार के नेटवर्क पकड़ता है और ये प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं।
और इसके अंदर भी गाइस दो बैटरीज डलती हैं। ये देखो एक ही बैटरी लगी हुई है, मैं अभी इसके अंदर एक और लगाऊंगा, जब मैं उसका रिव्यू आपको दिखाऊंगा गाइस, उसे चलाकर दिखाऊंगा, तो मैं एक बार ना कार को उठा लेता हूं गाइस। ये देखो हमारी कार आ गई और कार का लुक देखो गाइस, वाओ यार, किसी महंगी गाड़ी से कम नहीं लग रही, लैम्बोर्गिनी या फिर ऑडी जैसी कार जैसा इसका लुक दिया हुआ है। और ये देखो पूरा का पूरा ग्लास दिया हुआ है आगे से लेकर पीछे तक, और ये रहा इसका विंडो, विंडो देखो इसके सीट से उतरने वाले, कितने ज्यादा अमेजिंग तरीके से बनाया गया। और इसके साथ भी एक एंटीना आता है ताकि कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे और ये बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क कर सके। और देखो गाइस इसके जो टायर है ना बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, और ये कार भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। और मैं आपको बता दूं गाइस, ये देखो पीछे से इसका पूरा का पूरा हिस्सा ना ब्लैक कलर का है, और गाइस इसके अंदर भी यहाँ पीछे की तरफ तीन बैटरी डलती है, और ये रहा इसका ऑन ऑफ का बटन, तो देखो मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। ओ वाओ गाइस यार इसके अंदर तो अमेजिंग लाइट्स भी जलती है, ये देखो लाइट्स के अंदर कितनी ज्यादा ये कलरफुल लग रही है और कितनी ज्यादा ऑसम लग रही है, बिकॉज ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, ग्लास लगा हुआ है, तो और भी ज्यादा ये अच्छी लग रही है। तो देखो एक बार मैं ना आपको इसका रिमोट दिखाता हूँ, ये देखो रिमोट, ये इसका जो रिमोट है इसको बैक करने का, ये देखो इसके ऊपर एरो छपा हुआ है, ये आगे से आगे की तरफ भगाने का है, और देखो इस तरीके से ये वर्क करता है, ये देखो इसके टायर कितने तेजी से घूम रहे हैं। तो एक बार मैं इसे ना आपको जमीन पर चला के दिखाता हूँ, ये देखो गाइस ये रही हमारी कार, कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। ये देखो मैं इसे आगे की तरफ चलाऊंगा, ओ वाओ यार, ये देखो बैक करने का इसका बटन है, और ये आगे तरकने का इसका बटन है, और ये आगे कितनी, और देखो यार क्या स्पीड है भाई साहब। ये देखो गाइस लाइट्स ऑफ करने के बाद तो ये और भी ज्यादा ऑसम लगती है भाई, ओ वाओ यार। और देखो थोड़ी सी डिम हो जाती है लाइट जब मैं रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता हूँ इसे चलाने के लिए, लेकिन ओवरऑल देखो यार कितनी ज्यादा ऑसम लग रही है ये, ओ वाओ यार अमेजिंग भाई साहब, क्या अमेजिंग वर्क करती है यार ये कार, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया गाइस इसके साथ खेलकर। आपको ये कार कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो मैं इसे वापस इसकी जगह पर रख देता हूँ और रिमोट कंट्रोल को भी इसकी जगह पर ही रख देता हूँ। तो गाइस अब हम चलते हैं इस अमेजिंग कार की तरफ, ये देखो यार क्या अमेजिंग कार है भाई साहब, और इसका वर्क जो है ना बहुत ज्यादा ऑसम है गाइस। ये देखो पहले ना मैं आपको इसका डिजाइन दिखाता हूँ, ये देखो कितना कमाल का डिजाइन बनाया है इसको, कितना ज्यादा ऑसम लुक दिया हुआ, और आंखें वगैरह सब बनाई है, ये पुलिस की कार है गाइस। एक आप अगर अच्छे तरीके से देखेंगे ना ये एक रेसिंग कार है जो कि पुलिस के काम आती है, पुलिस यूज करती है, इसके ऊपर सायरन भी लगा हुआ है, और इसका जो लुक है ना बहुत ज्यादा ऑसम है, येलो कलर में तो और भी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। और इसकी जो सबसे खास बात है ना गाइस, जब ये किसी भी चीज से टकराती है ना बहुत तेजी से, ये देखो ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर शेप में बदल जाती है गाइस, ये एक रोबो बन जाती है, ये देखो कितना ज्यादा अमेजिंग है। और ये एक फुल बैक वाली कार है, ये देखो आप जितना तेज इसमें पीछे की तरफ खींचेंगे ना उतनी तेजी से ये आगे की तरफ भागेगी। तो मैं इसका रिव्यू आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। ओ वाओ यार गाइस, देखा आपने कितनी ज्यादा ऑसम है ये वाली कार, मतलब कि सरफेस से टकराने के बाद क्या अमेजिंग तरीके से ये ओपन हुई ना, एक बार को तो मुझे लगा कहीं ये टूट ना जाए, लेकिन नहीं गाइस इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी ना, इतना स्ट्रांग इसको बनाया गया, और इसकी जो ये क्वालिटी है प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है गाइस। तो आपको ये वाली कार देखकर कैसा लगा, कैसा लगा इसका रिव्यू मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इसे मैं यहाँ नीचे रखता हूँ। आज की वीडियो की सबसे ज्यादा ऑसम चीज होने वाली गाइस, शायद आपने इसके बारे में कभी देखा हो सुना हो, लेकिन मुझे तो लगता है नहीं सुना होगा, इस वजह से तो मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ गाइस। और देखो ये आपको एक कीचेन लग रही होगी जो कि ये हैवी, और गाइस मैं आपको बता दूं ये एक नॉर्मल सी शू कीचेन नहीं है, एक्चुअल में ये एक शॉक प्रैंक वाला शू है। यहाँ पे ये जो बटन देख रहे हो ना आप, इसे आप अगर आप दबाओगे तो आपको शॉक लगता है, जैसे आपने देखा होगा शॉक वाला पेन, शॉक वाली चॉकलेट, उसी तरीके से ये शॉक वाला शू है गाइस। और ये दोस्तों के साथ प्रैंक करने के लिए आता है, बहुत ज्यादा ऑसम चीज है। प्लस में गाइस इसके अंदर और भी मल्टीपल यूजेस हैं इसके, ये देखो यहाँ पे इसके दो बटन दिए हुए हैं, एक दो, एक से आप टॉर्च जला सकते हैं, ये देखो टॉर्च भी जलती है इसके अंदर गाइस टॉर्च, और दूसरी जो है इसके अंदर ये लेजर लाइट है, लेजर लाइट वाला शू है गाइस, ये देखो हमारे आयरन मैन के ऊपर इसका निशाना जा रहा है, और ये देखो कितनी ज्यादा शार्प और कितनी ज्यादा तेज ये लेजर लाइट है।
तो मल्टीपल फंक्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। देखा आपने मल्टीपल यूजेस इसके आपको दिख जाते हैं। एक तो आप इसे चाबी के अंदर लगा सकते हैं, कीचेन बना सकते हैं, दूसरा दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हैं प्रैंक करने के लिए, और तीसरा है इसके अंदर लेजर लाइट है, चौथा इसके अंदर टॉर्च है गाइस। तो है ना कितनी ज्यादा अमेजिंग चीज, शायद ही गाइस आपने ये चीज कभी देखी होगी। अगर आप लोगों को ये चीज पसंद आई हो, अगर आपको ये चाहिए हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट में अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और इस शॉक शू का नाम लिख देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा गिव अवे में ये आप लोगों को देने की। तो मैं इसे यहां नीचे रखता हूं। देखो ये है नेक्स्ट और आखिरी चीज आज की वीडियो की, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है गाइस। इसे कहते हैं गाइस यो-यो, और इसके साथ मैं बचपन में बहुत ज्यादा खेला हूं गाइस। ये देखो ये जो इसकी धागा है ना, इसको नीचे की तरफ इसे लटकाते हैं। इतना ज्यादा स्पेस यहाँ पर नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊं, लेकिन अगर आप लोगों ने इसके साथ खेला है ना, तो आपको पता होगा कि इसे वर्क कैसे करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग टॉय है गाइस खेलने के मामले में। इसके साथ भी आप बहुत ज्यादा टाइम पास कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये आपका मनोरंजन करता है, एंटरटेनमेंट करता है। तो है ना कितना ज्यादा ऑसम चीज गाइस। तो आज की इस कमाल की वीडियो में बस इतना ही गाइस। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको दिखाया मैंने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग टॉयज का रिव्यू। आप देख सकते हैं मेरे पास स्टंटमैन आयरन मैन भी है, जिसकी ये कार बहुत ज्यादा कमाल की थी, और ये वाली कार तो बहुत ज्यादा ऑसम लगी गाइस। और देख सकते हैं ये कार का कलेक्शन जीप हो गई, कार हो गई, और ये वाली कार हो गई बहुत ज्यादा कमाल की थी गाइस। और ये देखो ये हमारे मार्वल एडिशन वाली कार भी कुछ कम नहीं थी। तो ओवरऑल सारे के सारे जो टॉयज है ना, बहुत ज्यादा अमेजिंग थे, अल्टीमेट थे, बहुत ज्यादा अमेजिंग ये कलेक्शन रहा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी टॉय पसंद आए हो गाइस, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जिस टॉय के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे, उस टॉय को मैं गिव अवे कर दूंगा गाइस किसी एक लकी विनर को, वो मैं दे दूंगा। बस उसके लिए आप अपना कमेंट में नाम लिखना, उस टॉय का नाम लिखना, अपनी सिटी का नाम लिखना, वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो इस अमेजिंग वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बाजू में देखे बेल आइकन को जरूर दबा दें।